गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, टाइम इस समय हो गया है सुबह का 9:18। लास्ट नाइट टेम्परेचर वेंट डाउन टिल -2, तो हम लोग काफ़ी देर तक इधर बाहरी बॉनफायर के पास बैठे रहे थे। एंड यूजुअली इस टाइम लाइक जनवरी में ओली इज़ लाइक कवर्ड विद स्नो, बट इस बार स्नोफॉल नहीं है और बारिश का भी कोई सीन नहीं है, आसमान एकदम क्लियर है। एंड यहाँ पे दिसंबर 13 को ये सब स्नो पड़ी थी एंड ये अभी तक मेल्ट नहीं हुई है। इधर धूप कम पड़ती है तो इन सब एरियाज़ में मेल्ट नहीं हुई, बट इट इज़ लाइक हार्ड स्नो, इट इज़ फ्रोजन, इट इज़ नॉट द सॉफ्ट पाउडरी स्नो दैट वी लाइक। सो टाइम हो चुका है इस समय 10:50 AM। ब्रेकफास्ट हो गया, लगेज माउंट हो गया, अब यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। सो आज के लिए इस व्यू को बाय बोलेंगे, दिस इज़ द व्यू, एंड अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वी आर लीविंग फ्रॉम द कैंप साइट नाउ। अरे ये कैंप साइट तक का रास्ता है, stopped at a flat surface. We have a problem. So we are stuck. यहाँ पे construction चल रहा है and बैरिकेड लगा हुआ है। सो ऑल वी कैन डू इज वेट। सो आई थिंक कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो चुका है, रोड उन्होंने क्लियर कर दिया, अभी भैया आ रहे हैं, बैरिकेड हटाएंगे एंड देन वील मूव ऑन। सो ये कंस्ट्रक्शन वर्क था, देवर मेकिंग वे लाइक फॉर द रोड, बिकॉज इधर तो लैंड स्लाइड हो गई थी। सो जब ऐसे राइट साइड में लैंड स्लाइड हो जाती है तो लेफ्ट साइड को और डिग करके रोड के लिए स्पेस बना लेते हैं। सो ये वाला रास्ता है जिस पे इस समय हम चल रहे हैं, वी वर ऑन दिस येस्टरडे एज वेल। ओली जाने के लिए इसी रास्ते से जाना होता है एंड देन वापस नीचे भी इसी रास्ते पर आना पड़ता है। तो ये सब जगह हम लोग कल ऑलरेडी देख चुके हैं। वी हैव रीच द टनल जिससे हम लोग कल भी निकले थे। ने यहाँ पे गोपेश्वर में थोड़ा सा एक स्टॉप लिया था, यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे ओली जाने के लिए, अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे चोपता के लिए। चोपता यहाँ से 48 किलोमीटर्स है। 2 बज गए हैं, सो होपफुली 3:30 तक पहुँच जाना चाहिए, बाकी आगे देखते हैं रास्ता कैसा रहता है। गेट कितना अच्छा लग रहा है वाला। तो अभी हम लोग अलकनंदा रिवर के ऊपर से जा रहे, वो साइड वाइल्ड फायर लगी हुई है।
ये सब जो ऐसे फॉग दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर दैट इज डाउन देयर. तो ये सब जितना भी है दिस इज़ द स्मोक दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द वाइल्ड फायर. ओके ये देखिए यहाँ पे भी एक फ्रेश ही रॉक फॉल हुआ है. सो दिस इज़ अ रॉक फॉल प्रोन एरिया. सो यहाँ से जल्दी बस चलते रहेंगे. एंड वाओ यार क्या व्यू है लेकिन लेफ्ट साइड में. तो वी आर एन रूट चोपता नाउ. अभी यहाँ से बचा होगा मेरे ख्याल से अराउंड 20 किलोमीटर्स. एंड टाइम हो गया है एक सेकेंड, टाइम हो गया है 2:54. चोपता में हमें पता चला है कि वहाँ से आगे एक बहुत अच्छा मंदिर है जहाँ पे बुक्स के हिसाब से पार्वती जी गॉट मैरिड टू शिव जी. सो वहाँ भी एक बार जाने की कोशिश करेंगे इस समय अगर ओपन हुआ तो. देन वहाँ से आगे फिर तेहरी डैम के लिए निकलेंगे. अब ये देखेंगे कि आज निकल पाते हैं कि ब्रेक लेना पड़ेगा. सो लेट्स सी कैसा जाता है. अभी मैं आपको एक ओवरऑल ट्रिप अपडेट दूँ तो वी हैव डन 758 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ. एंड अभी करीब करीब इतना ही और होगा मेरे ख्याल से. इस रोड की पूरी वाइब ही अलग है एकदम ग्रीनरी के बीच से जाते हुए. पतली रोड, परफेक्ट अमाउंट ऑफ टर्न्स, माइल्ड टर्न्स, दे नॉट शार्प टर्न्स. और ये पूरा ग्रीनरी के बीच से बच गए. और ये पूरा ग्रीनरी के बीच से जाते हुए सो वी हैव बीन वॉर्न्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. बट हिरन ही बना हुआ था सो आई होप नो कार्निवोरस एनिमल्स अराउंड. सो अभी पीछे मैंने साइन बोर्ड देखा था दैट चोपता इज 19 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड इट इज़ 3:20. तो जो प्लान्ड टाइम ऑफ अराइवल था वो तो मिस हो जाएगा 100%. एंड वी आर स्टिल इन द जंगल एरिया. बट यहाँ पे ठंडक भी काफ़ी ज़्यादा है सो इट इज़ वेरी नाइस टू ड्राइव, आई मीन टू राइड. इधर भी लैंडस्लाइड्स हैं. वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. और फिर से हमें स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं और इस बार बहुत ही ज़्यादा. एंड चोपता इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर. ये बीच में जो नॉन स्नो कैप माउंटेन है दीजा नंदा वैली एंड उसके उधर दैट इज द हिमालयन रेंज. अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अभी क्लाइंब करना है. सो मे बी वी कैन गेट अनदर बेटर व्यू. वो देखिए वहाँ पे एक और फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, स्मोक उड़ रहा है. सो यू स्टार्टेड सीइंग स्नो अगेन. So elevation I guess should be around 2.5 kilometers above mean sea level. So we took a short break
हाथ काफ़ी दर्द होने लग जाते हैं ऐसे झटके से निकलते निकलते। एंड दिस लुक्स पाउडरी बट इट इज़ एक्चुअली फ्रोजन। सो ये स्नोफॉल हुई होगी दिसंबर में, अराउंड 13 दिसंबर के आसपास। दिस इज पाउडरी यहाँ से हल्की हल्की, बट दिस इज ऑल फ्रोजन, दिस इज नॉट फ्रेश नो। और ये इस जगह पे तो आइस है, सो लाइक स्लिपरी आइस, दिस हैज नो फ्रिक्शन। पेड़ के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। चलिए खैर, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ब्रेक। सो गोप्रो का मेमोरी कार्ड एंड बैटरी दोनों ही ख़त्म हो गए थे, सो वी स्टॉप्ड हियर टू चेंज इट क्विकली। इस समय गूगल अर्थ के हिसाब से वी आर 2,700 meters अबव द मीन सी लेवल, मूविंग एंड स्टिल क्लाइंबिंग। लुकिंग ऐसे राइट में, इट इज़ जस्ट सो दैट कैमरा उधर देखे, मेरी आंखें आर स्टिल पॉइंटिंग सामने, UP 32 लखनऊ। अब इस व्यू से आगे बढ़ेंगे, सो चोपता इज 3 किलोमीटर्स नाउ। टाइम हो गया है 4:41, सो आर टारगेट ऑफ 3:30 वाज नॉट अकम्प्लिश्ड। But still moving on and still enjoying the views. ये हमारे लेफ्ट में पूरी खाई है एंड राइट में माउंटेन्स। तो यहाँ पर भी ब्लैक आइस आ गई ना हो इस जगह पे, दिस इज़ वेरी रिस्की। ये देखिए बीच में ये पूरी ब्लैक आइस है, सो इफ आई लाइक गो ऑन इट आई माइट स्लिप, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जितने भी इस समय वेट पैचेस दिख रहे हैं दिस इज़ ऑल ब्लैक आइस, तो स्नो यहाँ पे बहुत है। बट डाउन साइड इज ब्लैक आइस, सो आई थिंक वी फाइनली अराइव्ड इन चोपता। दिस इज द टाउन ऑफ चोपता। चलो ब्रो, ओके बाय बाय। सो दिस इज चोपता। अगर टुंगनाथ मंदिर किसी को जाना होता है सो दिस इज द प्लेस टू स्टार्ट। वो टुंगनाथ का बोर्ड लगा है एंड यहीं से ट्रैक स्टार्ट होती है। इट इज़ अराउंड 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर पे टुंगनाथ मंदिर आ जाता है एंड देन उसके आगे शिला, चंद्रशिला। चलिए ओके, बाय 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 बाय।
सो यहाँ से राहुल एंड शिवू विल स्टे हेयर. दे प्लान टू ट्रैक टुंगनाथ. टुंगनाथ मंदिर बंद होगा बट स्टिल यू कैन सी बाहर से. एंड वो जो पीक दिख रही है दैट इज़ द केदारनाथ वाली पीक. एंड ये पूरी हिमालयन रेंज यहाँ से इधर ये सारी. तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ऊखी मठ के लिए. अभी सनलाइट है, टाइम है, सो वील ट्राई टू कवर जस्ट 30 किलोमीटर्स. एक घंटे दूर है. Lot of snow in this place. ओली से ज्यादा स्नो इधर है. सो दीज वर इलीगल कैंप साइट्स दैट आर बींग रिमूव बाय द गवर्नमेंट नाउ. Look at the sunset. Perfect upar se a cut and perfect orange. Good view, bad sign for us. So any intelligent guy would start rushing, but we are not that smart. We are waiting here and just enjoying the view. It's just amazing. Can't wait forever. Abhi toh there is a lot of light, but the sun has gone down. So we have reached Ukhi Mutt up. Time ho gaya 6. So I think we are on time. And now we have to look for a place to stay the night. So Ukhi Mutt mein hum log hotel se bahar aaye the market mein dinner karne. And yahan pe bhi 8:30 max सब कुछ बंद हो जाता है. इस समय 9:20 हो रहा है एंड जब हम लोग 8 बजे यहाँ पे आए थे सब कुछ बंद था. लकीली एक रेस्टोरेंट ओपन मिल गया था हमें. सो वहाँ पे हमने डिनर करा. अब वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल. सो वी आर बैक एट आवर होटल. अब यहाँ से सुबह निकलेंगे. आज की राइड को यहीं ख़त्म करेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम.